नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आ रहा हूँ और इस चारपाई का पार्ट थ्री देख पा रहे हैं। पार्ट वन में मैंने माइक के बारे में बताया था, पार्ट टू में इसमें स्टार्टिंग कैसे करते हैं, पार्ट टू में इसमें डिजाइंस, पार्ट थ्री में डिजाइंस के बारे में देखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों सीधे चारपाई पे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको माई के बारे में दिखा देता हूँ। ये माई है, ये नई डिजाइन की बनाई दोस्तों, ये आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से और सिंपल माई। इसके बारे में पर्टिकुलर मैंने वीडियो बनाया, वो इस वीडियो के राइट साइड में आई बटन होता है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों देखो ये बनाई की है, इसमें खास बात क्या है, ये लेटेस्ट डिजाइन बनाई गई दोस्तों। इसमें देखो यहाँ पर पट्टी आई है और इसमें यहाँ पे डबल घुंडी लगाई गई। डबल घुंडी का क्या मतलब, मैंने सिंगल घुंडी का बताया दोस्तों, वो दोनों चीज़ आप डबल घुंडी में यहाँ पे डबल रस्सी होती है, यहाँ भी देखो डबल देखेंगे आप, और सिंगल में सिर्फ खाली एक ही रहेगी। तो यहाँ भी इस बाई में भी आपको मैंने घुंडी दी है और इसमें भी दिए, और यहाँ पर आपको पट्टी मिलेगी। देखो ये छकड़े खाट आपको बता देता हूँ दोस्तों, और यहाँ पर आपको ये पट्टी मिलेगी। और ये पगात के बारे में भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, 5-6 प्रकार से पगात डाल सकते हैं, वो हर बार मैं आपको अलग अलग डिजाइंस की डाल के दिखाता रहता हूँ दोस्तों, वो देख सकते हैं। और इसमें खासियत ये है कि ये सिर्फ बाइयों में हम जो गुंडियों का पिलंग बनाते हैं उसमें ताना तानते हैं, तो इधर भी ये गुंडी रहती है हमारी, और इधर भी रहती हैं, और इधर भी रहती हैं, और इधर चारों तरफ रहती हैं दोस्तों। लेकिन ये छकड़िया की खाट में इससे पहले आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगी दोस्तों, वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, और कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों, ये भी गारंटी है। आप आराम से देखिए, ऐसी खाट आपको मिल जाए कहीं तो आप बताना दोस्तों, कमेंट करके उससे बताना। देखो ये आपको आप बना सकते हैं, सिर्फ अभी कहीं आपको जल्दी सी देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों, हो सकता है कहीं आपको एक दो जगह मिल जाए लेकिन बहुत ही कम चांस है। ये लेटेस्ट डिजाइन मैंने जनरेट की है, आप सभी का प्यार बना रहेगा तो और भी मैं नई डिजाइन आपको बनाकर दिखाता रहूँगा। देखो यहाँ पर 6 दबाई 6 उठाई 6 दबाई 6 उठाई से ये मैंने स्टार्टिंग किया था, उसके बाद में यहाँ पर मैंने 1 उठाई है, सेम वो डिजाइन उधर भी बनेगी आपको सेम, इधर भी 1 उठाइए, सेम डिजाइन हमारी चलेगी दोस्तों, यह आपको बता देता हूँ। फिर यहाँ पे आपको 3 उठाई फिर 5 उठाई, फिर 1 दबाई 3 दबाई 5 दबाई, फिर 1 उठाई 3 उठाई 5 उठाई, ये आपको 3-3 की लहर है दोस्तों। यहाँ पे ये 3 दबाई है, फिर 3 दबाई 3 उठाई 3 दबाई, ये आपको 3-3 की लहर। यहाँ से थोड़ा मॉडिफाई किया है, ये पट्टी आप देखें 6 दबाई 6 उठाई, फिर यहाँ पर मॉडिफाई किया मैंने, पहले 8 रस्सी दबेंगी, फिर यहाँ पर 6 फिर 4 दबेंगी, फिर यहाँ पे वापस से दोस्तों आपको 8 रस्सी, फिर आपको 6 रस्सी, इस प्रकार से ये सीक्वेंस आपका चलता रहेगा हमारा। तो ये आपको 3-3 की लहर और ये 3-3 उठाई 3 दबाई से चलेगा दोस्तों। अब यहाँ पे आपको फूल बनाकर दिखाऊंगा, मैं किस प्रकार से फूल बनाया जाता है वो भी दिखाऊंगा। ये पट्टी भी आप देख सकते हैं, दोनों पट्टी आप आराम से इसके बीच में भी आप पट्टी लगा सकते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे पट्टी लग रही है इस प्रकार से यहाँ भी लगा सकते हैं, तो वो सभी आपके ऊपर है कि यहाँ पट्टी कैसे लगाई जाए। देखो यहाँ भी मैंने पट्टी लगाई है, सेम सिक्वेंस है दोस्तों, यहाँ पे आपको सेम दिखेगा और यहाँ भी आप सेम देखेंगे, तो इस प्रकार से इस तरफ भी आपको सेम डिजाइन, और इसमें आप नाम भी लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं दोस्तों, तो वो आपके ऊपर है कि आपको नाम और मोबाइल से नंबर कैसे लिखने। वैसे मैंने पर्टिकुलर इस चारपाई में नाम और मोबाइल से नंबर लिख के दिखाए हैं, 2022 ही मैंने लिख कर दिखाया चारपाई में, वो भी आपको वीडियोज़ मिल जाएगी दोस्तों, और भी आपको डिजाइन की वीडियो मिलेगी हमारे चैनल पर, आप थोड़ा सा विजिट करेंगे तब आपको मिलेगा दोस्तों। सिर्फ यहाँ पर आपको लाइन एकदम दिखेगी, कुछ ही नहीं दिखेगा, यहाँ पर आपको पता चलेगा छकड़िया की खाटे, क्योंकि ये हमारे फाटे हैं, ये 6 कह रहे, तो वही छकड़िया की खाट मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, सेम यहाँ पे है दोस्तों। मैं बता देखो 6 दबाई फिर 6 उठाई, यहाँ पे 6 दबाई 6 उठाई 6 दबाई 6 उठाई, फिर 6 दबाई 6 उठाई 6 दबाई 6 उठाई 6 दबाई 6 उठाई, फिर यहाँ पे 6 दबाई 6 उठाई, फिर यहाँ पे आपको 8 रस्सी दबाई, फिर 1 उठाई फिर 8 दबाई, फिर 6 उठाई 6 दबाई 6 उठाई, फिर वापस से यहाँ पे दोस्तों 6 दबाई 6 उठाई, फिर यहाँ पे आपको 6 दबाई 6 दबाई, फिर 3 रस्सी उठाई, फिर यहाँ पे 4 दबाएंगे, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 रस्सी पूरी हो जाएंगी। उसके बाद में हमारा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर देखिए सीक्वेंस चेंज होगा, तो यहाँ पे 6 दबाकर 6 उठाएंगे, फिर ये 8 रस्सी दबाएंगे, फिर 6 दबाएंगे, फिर 4 दबाएंगे, इस प्रकार का ये सीक्वेंस हमारा बीच में ये पट्टी का चलता रहे, ये हमारी 3 है ब्लू वाली, फिर ये 3-3 का सीक्वेंस चल जाएगा हमारा। तो ये एक ब्लॉक बन जाएगा, इधर भी ये ब्लॉक आपको बन रहा है, तो दोनों आपको ब्लॉक बन जाएगा, उसी ब्लॉक में आपको क्या है दोस्तों, ये एक फूल आपको बनाकर दिखाऊंगा मैं किस प्रकार से फूल बनाया जाता है। वैसे पर्टिकुलर मैंने 4 बाई में 5 रस्सी का 7 रस्सी का 9 रस्सी का 11 रस्सी का फूल बनाकर दिखाया है, तो वो भी आप आसानी से देख सकते हैं और बना सकते हैं।
और ये माएँ भी मैंने 5-10 प्रकार से बताई हैं, इसमें नाम भी लिखकर दिखाया है, तो वो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। आप जाएंगे विजिट करेंगे तो नई नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो बोतल में चारपाई के बारे में बताया है, और वीडियो के नीचे या ऊपर आपको एड्रेस हिंदी इंग्लिश में दोनों मिलेगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से नाम मोबाइल नंबर लिखे जाते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके आप उससे बताइए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।